सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाप दादा। अव्यक्त वाणी से हम श्रृंगार करते हैं और अव्यक्त वाणी सुनाकर अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनाने के अभ्यास कराता है। तो आज बाप दादा कह रहे हैं, पासवित अनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो। आज बाप दादा हर एक छोटे बड़े चारों ओर के देश विदेश बच्चों को देख रहे थे और उनका भाग्य देख हर्षित हो रहे थे। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हैं। हर एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। जीवन में जन्मते ही माँ बाप की पालना का भाग्य मिलता है और उसके बाद पढ़ाई का भाग्य मिलता है, उसके आगे गुरु द्वारा मत व वरदान मिलता है। बाबा कहते हैं, आप बच्चों को पालना पढ़ाई और श्रीमत वरदान देने वाला कौन? परमात्मा द्वारा यह तीनों ही प्राप्त हैं। पालना देखो, परमात्मा पालना कितने थोड़े कोटों में कोई से कोई को मिलती है। परमात्मा शिक्षक की पढ़ाई आपके सिवाय किसी को भी नहीं मिलती है। सतगुरु द्वारा श्रीमत वरदान आपको ही प्राप्त होता है। तो अपने भाग्य को अच्छी तरह से जानते हो? बाप दादा पूछ रहे हैं, भाग्य को स्मृति में रखते हुए झूलते रहते हो, गीत गाते रहते हो, वाह मेरा भाग्य। अमृत वेला से लेकर जब उठते हो तो परमात्मा प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्मा प्यार उठाता है, दिनचर्या की आदि परमात्मा प्यार होता है। प्यार नहीं होता तो उठ नहीं सकते। प्यार ही आपके समय की घंटी है। प्यार की घंटी आपको उठाती है। सारे दिन में परमात्मा साथ हर कार्य कराता है। कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं बाप अपना परमधाम छोड़कर आपको शिक्षा देने के लिए आते हैं। ऐसा कभी सुना कि भगवान रोज अपने धाम को छोड़ पढ़ाने के लिए आते हैं? आत्माएं चाहे कितने भी दूर से आए, परमधाम से दूर और कोई देश है ही नहीं। है कोई देश? अमेरिका अफ्रीका दूर है, परमधाम ऊंचते ऊंचा धाम है। ऊंचते ऊंचे धाम से ऊंचते ऊंचे भगवान ऊंचते ऊंचे बच्चों को पढ़ाने आते हैं। बाबा कितना ऊंचा सम्मान दे रहे हैं। ऐसा भाग्य अपना अनुभव करते हो? सतगुरु के रूप में हर कार्य के लिए श्रीमत भी देते और साथ भी देते हैं। सिर्फ मत नहीं देते हैं, साथ भी देते हैं। आप क्या गीत गाते हो? मेरे साथ साथ हो कि दूर हो? साथ है ना। अगर सुनते हो तो परमात्मा टीचर से, अगर खाते भी हो तो बाप दादा के साथ खाते हो। अकेले खाते हो तो आपकी गलती है। बाप तो कहते हैं मेरे साथ खाओ। आप बच्चों को अभी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेले नहीं है, अकेले सोते हैं तो बुरे सपन व बुरे ख्याल सपन में भी आते हैं। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहते हैं मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठते हो तो भी मेरे साथ, सोते हो तो भी मेरे साथ, खाते हो तो भी मेरे साथ, चलते हो तो भी मेरे साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो बिजनेस के आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारे डायरेक्टर वास जो है
बाप दादा है, यह निमित्त मात्र है, उनके डायरेक्शन से काम करते हैं। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बनकर बहलाते हैं, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो, आंसू आते हैं तो बाप पोछने के लिए भी आते हैं, और आपके आंसू दिल के डिब्बी में मोती समा देते हैं। अगर कभी नटखट, बाबा कहते हैं अगर नटखट होके रूठ जाते हो, रुसते हुए हो, तो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रूठे हुए को कभी मनाने आते हैं। जो रूठ जाते हैं तो भी बाप आते हैं मनाने। बच्चे कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत गया भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी हैं। तो हर दिनचर्या किसके साथ है? बाप दादा के साथ। बाप दादा को कभी कभी बच्चों की बात पर हंसी आती है, जब कहते हैं बाबा आप भूल जाते हो। एक तरफ तो कहते हैं कम माइंड है, कम माइंड कभी भूलता है क्या? जब साथ साथ हैं तो साथ वाला भूल सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं शाबाश, बच्चों में इतनी ताकत है जो कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। कंबाइंड और थोड़ा सा माया कंबाइंड को भी अलग कर देती है। बाप दादा बच्चों का खेल देखते यही कहते हैं, बच्चे अपने भाग्य को सदा स्मृति में रखो। होता क्या है, सोचते हो हाँ मेरा भाग्य बहुत ऊंचा है, लेकिन सोचना स्वरूप बनते हो, स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो। सोचते बहुत अच्छा हूं, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं, मैं तो यह हूं। सुनाते भी बहुत अच्छे हो, लेकिन जो सोचते हो जो कहते हो उसका स्वरूप बन जाओ। स्वरूप बनने में कमी पड़ जाती है, हर बात का स्वरूप बन जाओ। जो सोचो वो स्वरूप भी अनुभव करो। बाबा कह रहे हैं सबसे बड़े ते बड़ा है अनुभवी मूर्त बनना। अनादिकाल में जब परमधाम में है तो सोचना स्वरूप नहीं है, स्मृति स्वरूप है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, यह भी सोचने का नहीं है, स्वरूप है। आदिकाल में भी इस समय के पुरुषार्थ का प्रारब्ध स्वरूप है, सोचना नहीं पड़ता। मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, मैं देवता हूं, यह स्वरूप है। तो जब अनादिकाल आदिकाल में स्वरूप है तो अब भी अंत में स्वरूप बनो। स्वरूप बनने से अपने गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होते हैं। जैसे कोई भी ऑक्यूपेशन वाले जब अपने सीट पर सेट होते हैं तो वह अपनी ऑक्यूपेशन के गुण करते हुए ऑटोमेटिक इमर्ज होते हैं। ऐसे आप सदा स्वरूप के सीट पर सेट रहो तो हर गुण हर शक्ति हर प्रकार का नशा स्वतः ही इमर्ज होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी को कहा जाता है ब्राह्मणपन के नेचुरल नेचर, जिसमें और सब अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाती है। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर ही गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, मतलब सर्वशक्ति स्वरूप, और जो भी पुरानी नेचर से वो ब्राह्मण जीवन के नेचर्स नहीं। कहते ऐसे हो कि मेरी नेचर ऐसी है, लेकिन कौन बोलता है मेरी नेचर? ब्राह्मण वा क्षत्रिय वा पास्ट जन्म की स्मृति स्वरूप आत्मा बोलती है। ब्राह्मण की नेचर, जो ब्रह्मा बाप की नेचर वो ब्राह्मण की नेचर। तो सोचो जिस समय कहते हो मेरी नेचर मेरा स्वभाव ऐसा है, क्या ब्राह्मण जीवन में ऐसा शब्द मेरी नेचर मेरा स्वभाव हो सकता है? अगर अब तक मिटा रहे हो और पास्ट की नेचर इमर्ज हो जाती है तो समझना चाहिए इस समय मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय हूं, युद्ध कर रहा हूं मिटाने की। तो क्या कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय बन जाते हो? कहलाते क्या हो, क्षत्रिय कुमार या ब्रह्मा कुमार? कौन हो? क्षत्रिय कुमार हो क्या? बाबा कहते हैं ये जो पुराना नेचर है उसको समाप्त करो, तो पूरे मेरे नहीं थोड़े जिंदे हैं,
थोड़ा मेरा है क्यों? ब्राह्मण जीवन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का हर कदम वो ब्राह्मण का कदम हो। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं संबंध संपर्क में संतुष्टता की विशेषता द्वारा, माला में पिरोने वाले संतुष्ट मणि भव। संगम युग संतुष्टता का युग है, जो स्वयं से भी संतुष्ट है और संबंध संपर्क से भी सदा संतुष्ट रहते हैं व संतुष्ट करते वही माला में पिरोते हैं, क्योंकि माला संबंध से बनती है। अगर दाने का दाने से संपर्क नहीं हो तो माला नहीं बनेगी। इसलिए संतुष्ट मणि बन, सदा संतुष्ट रहो और सर्व का संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, कोई भी प्रकार की खिटपिट ना हो। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। आज की अभिवाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर बाप दादा के छत्र छाए का अनुभव करना है कि सदा मेरे साथ मेरे बाप दादा है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।